जीएसटी में बदलावों का दौर लगातार जारी है और ऐसे में जीएसटी काउंसिल की हर मीटिंग पर हम सभी की नजर रहती है कि इस बार क्या बड़े चेंजेस अनाउंस किए जाने वाले हैं। जीएसटी काउंसिल की 50th मीटिंग कल ही संपन्न हुई है। आइए नजर डालते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशंस इस मीटिंग में किए गए हैं और उनका क्या पॉसिबल इम्पैक्ट होने वाला है। जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर एक और बड़ा कदम उठाते हुए काउंसिल ने इस ट्रिब्यूनल के मेंबर्स एंड प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट एंड सर्विस कंडीशंस को प्रिस्क्राइब करने के लिए रूल्स फ्रेम करने का रिकमेंडेशन किया है और साथ ही काउंसिल ने रिकमेंड किया है कि फाइनेंस एक्ट 2023 में जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड प्रोविजंस को विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/8/2023 नोटिफाई कर दिया जाए। काउंसिल के एक और रिकमेंडेशन के अनुसार आईजीएसटी हेड में रॉन्गफुल अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी के केस में सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 रीड विद रूल 88B के अंतर्गत लगने वाले इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के संबंध में एक क्लैरिफिकेटरी सर्कुलर इशू किया जाएगा। आईजीएसटी हेड में रॉन्ग आईटीसी अवेल किए जाने पर इंटरेस्ट की लायबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए सीजीएसटी एसजीएसटी एंड आईजीएसटी तीनों हेड्स में ई क्रेडिट लेजर का बैलेंस कंसिडर किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 एंड 18-19 में जीएसटीआर 2A एंड 3B में डिफरेंस की वेरिफिकेशन के संबंध में सीबीआईसी ने सर्कुलर नंबर 183 इशू किया हुआ है। अब काउंसिल ने इस संबंध में एक बड़ा रिकमेंडेशन करते हुए सीबीआईसी को इसी तरह का सर्कुलर फाइनेंशियल ईयर 19-20 से 31 दिसंबर 2021 तक के टैक्स पीरियड के लिए भी इशू करने के लिए निर्देश दिए हैं। ये एक टैक्स पेयर फ्रेंडली रिकमेंडेशन है क्योंकि इस सर्कुलर का एक्सटेंशन 19-20 से 31 दिसंबर 2021 तक के फाइनेंशियल ईयर्स में होने पर इस संबंध में डिपार्टमेंट द्वारा क्रिएट की जा रही डिमांड्स को एड्रेस करने में मदद मिलेगी और साथ ही टैक्स पेयर्स को भी 2A एंड 3B के जेन्युइन डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करने और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश करने का मौका मिलेगा। काउंसिल का एक और बड़ा रिकमेंडेशन है जीएसटीआर 4, जीएसटीआर 9 एंड 10 की डिलेड फाइलिंग के केस में एमनेस्टी स्कीम जिसकी मियाद 30/6/2023 को समाप्त हो चुकी है को बढ़ाकर 31/8/2023 किया जाना। ये भी एक टैक्स पेयर फ्रेंडली मेजर है क्योंकि ऐसे केसेस में 31/8/2023 तक रिड्यूस्ड लेट फीस का बेनिफिट लेकर इन पेंडिंग रिटर्न्स को फाइल किया जा सकता है। जीएसटी में फेक इनवॉइसेस के आधार पर लिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट और फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स के आधार पर लिए गए रजिस्ट्रेशन एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आए हैं और अब रिसेंटली इस बारे में गवर्नमेंट एंड काउंसिल का एक सख्त रवैया हमने देखने को मिला है। अब इसी कड़ी में जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए काउंसिल ने कुछ की रिकमेंडेशंस किए हैं। आइए नजर डालते हैं इन रिकमेंडेशंस पर। पहला, रूल 10E में अमेंडमेंट किया जाना और ये प्रोवाइड किया जाना कि रजिस्ट्रेशन ग्रांट होने के 30 डेज के विदिन बैंक अकाउंट डिटेल्स पोर्टल पर अपलोड हो जानी चाहिए। रूल 21A में भी अमेंडमेंट प्रस्तावित है जिसके अंतर्गत अमेंडेड रूल 10A में प्रोवाइड की गई 30 डेज की टाइम लिमिट के विदिन बैंक अकाउंट डिटेल्स सबमिट नहीं किए जाने पर ऐसे रजिस्टर्ड टैक्सपेयर का सिस्टम बेस्ड सस्पेंशन। इसके अलावा रूल 59(6) में अमेंडमेंट के जरिए यह प्रोवाइड किया जाएगा कि अगर किसी टैक्सपेयर ने रजिस्ट्रेशन ग्रांट होने के 30 डेज के विदिन अपनी बैंक डिटेल सबमिट नहीं की है तो ऐसे टैक्सपेयर को जीएसटीआर 1 या आईएफएफ फाइल नहीं करने दिया जाएगा। नंबर 2, रूल 9 एंड रूल 25 में अमेंडमेंट प्रस्तावित किया गया है जिसके अंतर्गत बिजनेस प्रमाइसेस का फिजिकल वेरिफिकेशन किए जाने पर टैक्सपेयर का प्रेजेंट होना जरूरी नहीं होगा और साथ ही हाई रिस्क केसेस में फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस प्रमाइसेस किया जाएगा चाहे उन केसेस में रजिस्ट्रेशन आधार से ऑथेंटिकेट भी हो चुका हो। जीएसटीआर 1 एंड 3B में आउटवर्ड लायबिलिटी में डिफरेंस होने पर काउंसिल का रवैया सख्त है और ऐसे केसेस में 26 दिसंबर 2022 से रूल 88C इंसर्ट किया जा चुका है और पोर्टल पर भी DRC 01B को इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। DRC 01B से रिलेटेड जानकारी मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में दी हुई है। अब इसी कड़ी में रिकमेंडेशन ये है कि एक नया रूल 142B सीजीएसटी रूल्स में इंसर्ट किया जाए और DRC 01D इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इस न्यू रूल एंड DRC 01D के जरिए रूल 88C में सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन फर्निश न करने या डिफरेंशियल टैक्स लायबिलिटी को पे ऑफ नहीं करने पर टैक्स एंड इंटरेस्ट रिकवर किया जा सकेगा। अब इस न्यू रूल में क्या प्रोविजन होगा ये तो इस रूल के एप्लीकेबल होने के बाद ही पता चलेगा, पर यह साफ है कि जीएसटीआर 1 एंड 3B में प्रेस्क्राइब थ्रेशोल्ड से ज्यादा डिफरेंस टॉलरेबल नहीं है। इसी तरह का एक और बड़ा रिकमेंडेशन ये है कि सीजीएसटी रूल्स में रूल 88D को इंसर्ट किया जाएगा और फॉर्म DRC 01C के जरिए किसी भी टैक्स पीरियड की 3B और 2B में एक प्रेस्क्राइब थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा आईटीसी क्लेम किए जाने पर टैक्सपेयर से एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा। जीएसटी में कंप्लायंस को स्ट्रेंथन करने के लिए ये एक बड़े मेजर हैं।
लेकिन GSTR 1 एंड 3B में डिफरेंस एंड ITC अवेल्ड इन एक्सेस ऑफ 2B, ये दोनों ही सब्जेक्ट मैटर पहले से ही सेक्शन 61 रीड विथ रूल 99 के अंतर्गत इशू की जाने वाले SMT 10 में कवर्ड है। तो ऐसे में अलग से इस संबंध में रूल बनाने और सिस्टम बेस्ड इंटीमेशन के जरिए टैक्सपेयर से एक्सप्लेनेशन फर्निश करवाए जाने से क्या पर्पज सर्व होगा, ये टाइम ही बताएगा। इन सब के अलावा एक और की रिकमेंडेशन ये है कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 में GSTR 9 एंड 9C में जो रिलैक्सेशन प्रोवाइड किए गए हैं वे फाइनेंशियल ईयर 2023 में भी एप्लीकेबल होंगे, और साथ ही अप टू ₹2 करोड़ तक का एनुअल रिटर्न फर्निश करने से एग्जेम्पशन 22-23 में भी कंटिन्यू रहेगा। तो ये थी GST काउंसिल के 50th मीटिंग में किए गए की रिकमेंडेशंस की जानकारी। इन रिकमेंडेशन से ये साफ है कि GST कंप्लायंसेस, फेक रजिस्ट्रेशंस एंड फेक ITC पर गवर्नमेंट का एम्फेसिस है, और अब टैक्सपेयर्स एंड उनके कंसल्टेंट्स को काफी विजिलेंट रहने की जरूरत है। टैक्सेशन से जुड़ी ऐसी ही रेगुलर अपडेट्स, केस लॉ एनालिसिस, एनक्वायरी रेजोल्यूशन के लिए देखते रहिए द टैक्स एक्सप्रेस, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।